बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आरजे बिलाल कियानी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करूँगा कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। रात की इस पहर जनाब आपके साथ लाइव आने का मेरा मकसद यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तारीखी फतह हासिल की आज़ाद कश्मीर के अंदर, उस हवाले से सब वर्कर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। सब ने वर्क किया, सब ने मेहनत की, जिसका समर आज हम सबको मिला और मेरी तो खुशी की एक इंतहा है। और लग रहा है कि रात को नींद भी नहीं आएगी खुशी से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी जान है, जो हमारी शान है, इसके लिए हम दिन रात काम करते हैं, वर्क करते हैं और बेलोस काम करते हैं, वो जीत चुकी है। और ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रस्मी कार्रवाई हुआ करती थी कि जिसकी वफाक में गवर्नमेंट होती थी वही आज़ाद कश्मीर में गवर्नमेंट बनाता था। लेकिन इस वक्त ऐसा हुआ है कि एक मुकाबले की फ़ज़ा देखने को मिली और कांटेदार मुकाबले के बाद मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मेहनत, अपनी कारकर्दगी बुनियाद पे वो हासिल किए। और फिर उसके बाद हर एक सिंगल वर्कर उसने मेहनत की, दिन रात जागा। दीगर पार्टीज़ के साथ उसने फेसबुक के ऊपर, इसके अलावा अमली मैदान के अंदर कैंपेन की, जिसका समर ये मिला कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक आम आदमी की जीत है, हम सब की जीत है। और इस मौके पे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को हम सब के सरों पे तादेर सलामत रखे और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैलाबाद। आप सबका बहुत शुक्रिया।